हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ओमनीश डोमेन। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए जेई मेंस के अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसा कि काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा कि जेई मेंस का 2 अटेम्प्ट होने वाला है, तो कुछ लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो गए होंगे, काफ़ी सैड हो गए होंगे कि 2 अटेम्प्ट हो रहा है, हम तो 4 अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग अपना सारा स्टडी प्लान किए थे। और काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि अब तो टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है, चांस भी कम हो गया है, तो ज़्यादा स्कोर अब हो नहीं सकता है। सो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ताकि आप अपना स्टडी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि जेई मेंस 2 अटेम्प्ट होगा या 4 अटेम्प्ट होगा, तो फाइनली 2 अटेम्प्ट का जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिला है, वो आपको अनऑफिशियल वेबसाइट जैसे न्यूज़ का वेबसाइट जो होता है उस वेबसाइट्स पर आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिला है कि 2 अटेम्प्ट ही जेई मेंस का होगा और 4 अटेम्प्ट नहीं होगा। तो जैसे कि मैं ओपन करके आपको दिखलाता हूँ कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको वेबसाइट है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेई मेंस अटेम्प्ट जो है वो 2 चांस आपको मिलेगा, 4 चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे ये न्यूज़ के वेबसाइट्स होते हैं, तो वहाँ पर आप ओपन कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि 2 अटेम्प्ट होंगे, 4 अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर देखिए कि मैं NTA का वेबसाइट, जो कि जिन ऑफिशियल वेबसाइट होता है जेई मेंस का, मैं ओपन किया हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कि आपको 2 अटेम्प्ट ही होने वाला है, 4 अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा? तो इससे आपको काफ़ी पता चलता है कि आपको अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आया है कि 2 अटेम्प्ट होगा या 4 अटेम्प्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 4 अटेम्प्ट मिलने वाला है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलने वाला है। आपको अभी टोटल ऑफिशियली कोई न्यूज़ आया नहीं है, तो आप ये सोच करके बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि आपको 4 अटेम्प्ट मिलेगा या 2 अटेम्प्ट मिलेगा। आपको ऐसा तैयारी करना है अब के समय पे कि आपको 2 अटेम्प्ट भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और 4 अटेम्प्ट भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब, और मैं आपको ये बहुत पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जेई मेंस 1st अटेम्प्ट को लेकर के, तो आप मेरे चैनल पर जा करके वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो उसमें मैं ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रेटजी बताया हूँ जो कि आपको 1 अटेम्प्ट मिले, 2 अटेम्प्ट मिले या 4 अटेम्प्ट मिले, वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, कि एक टेंशन नहीं होगा कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं जेई मेंस में। आप इजिली अपना जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना जेई एडवांस भी अच्छी नंबर से क्रैक कर सकते हैं। तो आप अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियोस को देख लीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको इन सभी अनऑफिशियल न्यूज़ से थोड़ा आपको डिस्टेंस बना लेना ज़रूरी है, क्योंकि सब न्यूज़ जो है आपका काफ़ी समय वेस्ट करा कर सकता है। क्योंकि मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 2020 में भी और 2021 में भी, ये काफ़ी अनऑफिशियल न्यूज़ जो आते रहते हैं हमेशा, वो आपको काफ़ी समय ले लेते हैं। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि आप ऑफिशियल न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अनऑफिशियल न्यूज़ पर फोकस कम कीजिए, और जितना हो सके आप अपना पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी कम है और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसी सब चीज़ में टाइम अपना काफ़ी वेस्ट करते हैं कि क्या न्यूज़ आया है, क्या न्यूज़ नहीं आया है। तो सो इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा कि आप अनऑफिशियल न्यूज़ से दूरी बनाए रखें, और ऑफिशियल कोई न्यूज़ आता है तभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जेई मेंस 1st अटेम्प्ट के टाइटल से, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है अब के समय में, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब आपको कंफर्म नहीं है कि आपको 4 अटेम्प्ट मिलेगा या 2 अटेम्प्ट मिलेगा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देख करके उसका यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि स्पैमिंग पे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।